प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे के दौरान आज टोक्यो शहर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। आज हुई क्वाड मीटिंग में रूस यूक्रेन का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। अमेरिका और जापान दोनों ने इस पर अपनी बातें रखी। इसके अलावा द्विपक्षीय मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड से निपटने के लिए जिस तरह भारत ने काम किया उसके लिए पीएम मोदी की काफी तारीफ भी की। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने यूक्रेन पर रूस के क्रूर और न्यायसंगत आक्रमण के चल रहे प्रभावों और पूरे वैश्विक विश्वव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की है। इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए यूएस इंडिया बारीकी से परामर्श करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कहा कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस विश्वास के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत किया है। हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है, हालांकि यह हमारी ताकत से बहुत कम है। पीएम ने आगे यह भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा है कि हम हिंद प्रशांत पर द्विपक्षीय स्तर और समान विचारधारा वाले देशों के साथ समान विचार साझा करते हैं ताकि हमारी साझा चिंताओं की रक्षा के लिए काम किया जा सके। आज की हमारी चर्चा इस सकारात्मक गति को और ज्यादा गति देगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।